हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर जिसका मतलब खुद में टाइगर होता है, बाबर जिसके अंदर इतनी ताकत थी, इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ थी कि दो व्यक्तियों को अपनी काख में दबा करके किले की दीवार पर दौड़ जाया करता था। और डियर स्टूडेंट आपको जान के ताजुब होगा कि इनके जो फादर थे वह किससे बिलोंग करते थे, तैमूर वंश से, और इनकी जो मदर थी वह चंगेज वंश से बिलोंग करते थे। तैमूर और चंगेज खान जो कि लड़ाकू दल माने जाते थे उस ग्रुप से ये बिलोंग करते थे। कहने का मतलब है तैमूर और चंगेज के डिसेंट होने के कारण इनके अंदर पैरेंटल ये इफेक्ट आया था और साथ ही साथ मुगल साम्राज्य की न्यू नून डाला भारत देश में। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कहलाते हैं और इनका जन्म 14 फरवरी 1483 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में आगरा में हुई थी। भारत देश में मुगल एम्पायर की जो न्यू इन्होंने 1526 में रखी थी और 1530 तक कंटिन्यू रहे, क्योंकि 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और साथ ही साथ ये स्टूडेंट इनकी फादर उमर से मिर्जा जी थे और इनकी माँ का नाम कुतलुक निगार खानून था। जैसा कि मैंने आपको बताया इनकी जो माँ थी वह चंगेज खान की फैमिली से बिलोंग करती थी, उनकी वंशज थी, है। और साथ ही साथ इनके जो फादर थे वह तैमूर वंश से बिलोंग करते थे। दोनों ही लड़ाकू दल अपने में खतरनाक माने जाते हैं और इन दोनों लड़ाकू दल के कॉम्बिनेशन से बाबर जैसी शख्सियत उत्पन्न हुई पृथ्वी पर। आइए देखते हैं। युद्ध में इनको किस प्रकार की विजय हासिल हुई, किसको इन्होंने युद्ध में हराया और कौन कौन से इन्होंने युद्ध लड़े, बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से और साथ ही साथ कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1526 में इन्होंने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया, हराया, है ना, कहां पर, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मतलब पानीपत की प्रथम लड़ाई में, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि 1526 में हुई किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर विजयी रहे और इब्राहिम लोदी क्या हो गए, लूजर हो गए। और इन्होंने भारत देश में मुगल एम्पायर की, मुगल डिनेस्टी की स्थापना की प्रथम पानीपत युद्ध जीतने के पश्चात। उसके बाद 1527 में मेवाड़ के राणा सांगा को इन्होंने खानवा के युद्ध में हराया और साथ ही साथ 1528 में इन्होंने चंदेरी में चंदेरी के राजा मेदिनी राय को हराया और साथ ही साथ 1529 में इन्होंने मुहम्मद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी जो पहले हार चुके हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में, इब्राहिम लोदी के अंकल थे कौन, मोहम्मद लोदी, इनको भी इन्होंने हराया, कहां पर, घाघरा में। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको जैसे बताया कि यह जो है बढ़ते हुए क्रम में है 26, 27, 28, 29 और 1530 में तो इनकी मृत्यु हो गई आगरा में। और इनका जो टॉम था मकबरा था काबुल में बनाया गया, काबुल जो कि लाहौर में स्थित है, काबुल में इनका मकबरा बनाया गया, ये भी कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर पानीपत, यहाँ पर आ रहा है खानवा, यहाँ पर है चंदेरी और यहाँ पर है घाघरा। तो ये नेम कैसे याद रहेगा, क्योंकि ईयर तो क्रम से बढ़ते हुए आ रहे हैं, नेम कैसे याद रहेगा, तो देखिए पानीपत खानवा मतलब पान खा करके है ना, पान खा करके चांदनी नामक लड़की ने घाघरा पहन लिया, पान खाया मुंह में और उसके बाद घाघरा पहन लिया। ओके, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा पान खा करके चांदनी नाम की लड़की ने क्या किया, घाघरा पहन लिया। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए नेम कैसे आपको याद रहेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय, मुहम्मद लोदी जो इनके साथ युद्ध लड़े और पराजित हो गए, तो इनके भी नेम आपको कैसे याद रहेंगे, आइए देखते हैं। ओके, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, ओके, तो यहाँ देखिए मेदिनी राय, मुहम्मद लोदी, ये नेम दिए थे। आखिर हम ऐसे क्या ट्रिक बना दें कि ये हमको याद हो जाए, ये हमको समझना है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट इब्राहिम राणा मेदिनी मुहम्मद लोदी, मतलब इब्राहिम ने राणा को, है ना,
राड़ा के घर में, ऐसे बोलिएगा, इब्राहिम ने राड़ा के घर में है मोहम्मद को लूट लिया। इब्राहिम ने राड़ा के घर में मोहम्मद को लूट लिया, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद देश ही एडॉप्टेड तुगलुमा। तुगलुमा मतलब ये इनकी सैनिक प्रणाली होती थी, युद्ध करने का तरीका होता था कि आदि सैनिक जो आगे, आदि सैनिक मतलब पीछे, इस तरह से रह करके इनकी मतलब इनके राजा के आगे आगे लड़ा करते थे, पीछे में रहा करते, साइड में रहा करते थे। ये लड़ने की जो इनकी फितरत थी वो कहलाती थी तुगलुमा। ओके, और साथ साथ फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम, फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम, ये दो ऐसे सिस्टम है जिनके वजह से इनको फतेह हासिल हुई। मतलब युद्ध नीति में ये दो सिस्टम को लगाते थे, एक होता था तुगलुमा और दूसरा होता था फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम। फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम का मतलब देश में आप समझ सकते हैं, जैसे एक थाली में यदि हम गरम गरम खिचड़ी डालते हैं और बीचों बीच जो है यदि उंगली डाल करके खाना चाहे तो हमको खाने में दिक्कत होती है और गर्म सा महसूस होता है, हमारी उंगली उड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं साइड में थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के खाते हैं तो आसानी से खा जाते हैं। ठीक उसी तरह से डियर स्टूडेंट ये अपने विरोधी दल पर बीचों बीच नहीं अटैक करते थे बल्कि साइड से अटैक करते थे, उसको धीरे धीरे वीक कर देते थे। तो इनकी जो तरीका थी युद्ध करने को क्या कहलाती थी, फ्लैंकिंग पार्टी सिस्टम। और साथ ही साथ ये ऐसे शासक हुए जिन्होंने सबसे पहले यूज किया किसका, गन पाउडर का और आर्टिलरी इन इंडिया, भारत में तोपखाने का और साथ साथ गन पाउडर का जो यूज है सबसे पहले बाबर ने किया था। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तुजक ई बाबरी, इन्होंने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी क्या तुजक ई बाबरी, तुर्की में लिखा, इनकी जो मदर लैंग्वेज थी तुर्की उसी में उन्होंने लिखा, इन विच ही गेव एन एक्सीलेंट अकाउंट ऑफ इंडिया एंड इट्स एम्पायर। और उन्होंने तुजक ई बाबरी में स्पेशली भारत की जो एक्सीलेंट अकाउंट थी उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया और साथ साथ उनका साम्राज्य किस तरह से फैला हुआ था भारत में इसका भी उन्होंने चर्चा किया है। तुजक ई बाबरी का ट्रांसलेशन किया गया बाई अब्दुल रहीम खान खाना है ना पर्शियन लैंग्वेज में, जिसका नाम बाबरनामा बोला गया। मतलब तुजुक ई बाबरी का नाम क्या रखा गया, बाबरनामा, मतलब दोनों एक ही है लेकिन पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया भाई अब्दुल रहीम खान खाना, जिनको हम रहीम दास जी के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ तुजुक ई बाबरी जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया बाई मैडम बेबरिज। ओके, और साथ ही साथ ही कंपाइल टू एंथोलॉजीज ऑफ पोयम, इन्होंने दो पोयम को भी कंपाइल किया, चूंकि मतलब ये लेखक भी थे, कौन कौन, एक हुआ दीवान और दूसरा हुआ मुबयान, इन्होंने दो, ये तुर्की में, ये तुर्की में लिखा गया और ये पर्शियन लैंग्वेज में, इन्होंने क्या किया दो पोयम को कंपाइल किया। ही आल्सो रोट रिसल ई उसार, और उनकी द्वारा लिखी गई जो किताब है दूसरी किताब है क्या, रिसल ई उसार, जिसका मतलब होता है लेटर्स ऑफ बाबर। ओके डियर स्टूडेंट।